किसान साथियों, पिछले एक दशक से अफीम की फसल में जो हमें सबसे बड़ी समस्या दिखाई दे रही है वो है अफीम की फसल को अड़ी गिरने की समस्या, जिसके लिए से अफीम की फसल को बांधने का कार्य किया जाता है और उसमें एक बड़ी परेशानी होती है, नुकसान भी होता है और खर्चा भी काफ़ी आता है। किसान साथियों, एक दशक से पहले ऐसी कोई समस्या नहीं थी। तो किसान साथियों, इसका मुख्य कारण तो यही है कि इसकी अफीम फसल की कमज़ोर जड़ प्रणाली है और दूसरा है किसान समुचित उर्वरकों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो इस वीडियो में आज हम जानेंगे कैसे हम अपनी अफीम की फसल को जड़ों को मजबूत बनाएं ताकि वो अच्छे से प्रकार से पोषण भी ले सके, मजबूती से हमारे अफीम के पौधों को खड़ा रखे और उन्हें गिरने से बचाए। तो पूरी जानकारी के लिए किसान साथियों वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। किसान साथियों, आप एक या दो बार कल्टीवेटर चलाकर फिर मिट्टी के ढेलों को या तो पुरानी पारंपरिक तरीके से उस पर पाटा लगाते हैं या फिर बहुत सारे किसान भाई रोटावेटर चलवा देते हैं। जो किसान भाई पाटा लगाते हैं, यदि खेत में नमी है तो उसकी निचली सतह भी कड़क हो जाती है और जो किसान भाई रोटावेटर चलाते हैं तो उसमें आप देखेंगे 4 से 5 अंगुल के बाद जमीन में एक पाटा बन जाता है, जिसे हम कहते हैं कि पाटा बन गए हमारी भाषा में। तो किसान साथियों, इस प्रकार भूमि यदि 4 से 5 अंगुल के नीचे बाद एक कड़ी हो जाती है तो फिर वो जड़ों के उचित विकास के लिए बहुत ही खतरा सा बन जाती है, क्योंकि जमीन का कड़ापन पौधों की जड़ों को अंदर नहीं जाने देता है। तो सबसे पहला काम तो आपको यही करना है, भूल कर भी आप अपने अफीम के खेत में रोटावेटर ना चलाएं तो अच्छा है। यदि आपका खेत सूखा है तो आप रोटावेटर चलाने के बाद फिर से एक दो बार कल्टीवेटर कर लें ताकि जो खेत में अगर भी पाटा बन गया है तो वो खुल जाए, यानी खेत की मिट्टी बिल्कुल मुलायम और भुरभुरी हो जानी चाहिए। पहला तो यह है। और दूसरा कारण है किसान साथियों, आपने समुचित उर्वरक प्रबंधन यदि नहीं किया है तो भी आपकी अफीम के पौधों का जड़ों का विकास अच्छी तरह से नहीं होगा और पौधे का तना जड़ कमज़ोर रह जाएंगे तो निश्चित रूप से हैं जो पौधे गिरने की समस्या है वो आएगी। तो किसान साथियों, पौधों की जड़ों को मजबूत बनाने वाले उर्वरकों का हमें प्रयोग करना है। बहुत सारे किसान भाई अफीम की बुआई के समय DAP देते हैं और NPK भी देते हैं और विभिन्न प्रकार के जैविक खादों का भी प्रयोग करते हैं। तो किसान साथियों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जड़ प्रणाली को मजबूत बनाने वाला खाद कौन सा है, कौन सा पोषक तत्व तो है जो पौधों की जड़ों को मजबूत बनाता है। तो किसान साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि यदि हमारी फसल की जड़ स्वस्थ और मजबूत रहेगी तो पौधे का तना और पौधा भी मजबूत रहेगा। पौधा स्वस्थ रहेगा तो निश्चित है कि वह रोगों से और कीटों से लड़ने में सक्षम होगा और हमारा जो खर्चा है दवाइयों पर वह निश्चित रूप से कम होगा। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जो जड़ों को मजबूत करने वाले जितने भी प्रकार के पोषक तत्व हैं हमें शुरुआत में बुआई के समय ही देना है, क्योंकि किसान साथियों यदि फसल की आधी अवस्था के बाद आप उन्हें देते हैं तो फिर कमज़ोर जड़ें विकसित नहीं हो सकती। जैसे एक शिशु को शुरुआती अवस्था से ही सभी प्रकार का पोषण दिया जाता है, उसी प्रकार हमारी फसलों को हमें शुरुआती अवस्था से ही सभी प्रकार के पोषण देने हैं। तो ज़्यादा समय व्यवस्थन न गवाते हुए मैं आपको बताऊँगा कि आपको शुरू में कौन से खाद देने चाहिए तथा बाद में किस अवस्था तक आपको खाद देने की ज़रूरत है जड़ों को मजबूत देने के लिए। तो किसान साथियों, बुआई के समय आप निश्चित रूप से DAP का इस्तेमाल करते हैं। तो DAP में जो फास्फोरस तत्व होता है वो हमारी पौधों की जड़ों को मजबूत बनाता है। साथ ही साथ पोटास का यदि आप प्रयोग नहीं करते हैं तो ये भी एक कारण है कि आपकी पौधों की जड़ें कमज़ोर हो जाएगी। पोटास तत्व भी हमारी पौधों की जड़ों को मजबूत बनाता है, साथ ही साथ ये हमारे पौधों के डंठल यानी तनों को मजबूत बनाता है, जिससे पौधा मजबूती से खड़ा रहता है। तो किसान साथियों, इन दो उर्वरकों का प्रयोग आप बुआई के समय अवश्य करें। किसी कारण से यदि आपने इन उर्वरकों का प्रयोग नहीं किया है या DAP आपको उपलब्ध नहीं होता है तो किसान साथी आप सिंगल सुपर फास्फेट का 3 गुना, यानी जितना आप DAP यूज लेते हैं उसका 3 गुना यदि आप सिंगल सुपर फास्फेट ले लेते हैं तो आपको जो DAP में फास्फोरस है उससे अधिक फास्फोरस मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको एक्स्ट्रा सल्फर भी मिल जाएगा, उसका खर्चा बच जाएगा और पोटास को आपसे अलग से डाल देना है। तो यह था आधार खाद, यानी जब हम बुआई करते हैं। तो उसके बाद क्या होता है किसान भाइयों, कि जो हमारा फास्फोरस और जो पोटास
खाद हमने अपनी भूमि में दिया है वो धीरे धीरे अघुलनशील अवस्था में चला जाता है, कुछ पानी के बहाव के साथ लीचिंग होकर नीचे चला जाता है, कुछ हमारे पौधे ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार से फिर हमारे पौधों को पोटाश की और फास्फोरस तत्व की ज़रूरत होती है, लेकिन हम बाद में उन खादों का प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें करने से हमें कहीं ना कहीं आगे चलकर नुकसान होता है, क्योंकि पोटाश को लगने में भी काफ़ी समय लगता है। और जो किसान भाई पोटाश का महत्व जानते हैं कि जड़ों को मजबूत बनाने के लिए वो लहसुन की खेती करते होंगे, तो उन्हें पता है कि लहसुन भी एक जड़ वाली फसल है और ये लहसुन की खेती में कितना ज़रूरी है पोटाश। तो जिन किसान भाइयों ने अपनी अफीम की फसल में पोटाश नहीं दिया है तो शुरुआती अवस्था में अवश्य दे, अब की बार अवश्य दे, इस बात का ध्यान रखें। लेकिन किसान साथियों, अब तो बुआई हो चुकी है, अब पोटाश कैसे दे सकते हैं? तो किसान साथियों, मैं आपको एक ऐसा फर्टिलाइज़र बता रहा हूँ जिसमें आपको फास्फोरस और पोटाश दोनों पोषक तत्व मिल जाएंगे, और वो भी घुलनशील अवस्था में, और वो आपके पौधे को तुरंत मिलेंगे भी। तो इसके लिए आपको लेना है 0-52-34, जिसमें फास्फोरस और पोटाश की उचित मात्रा के संसाधियों। इसको आपको लेना है, 1 किलो ले सकते हैं आप 10 आरी के लिए। इसकी आपको ड्रेंचिंग करना है कम से कम 2 बार, तो आप अपनी फसल के 2 माह से अवधि में या इससे पहले अवश्य करें तो आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। साथ ही साथ आपको ज़्यादा नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि नाइट्रोजन से पौधे की वृद्धि ऊपर की साइड में यानी जमीन की सतह से ऊपर अधिक हो जाएगी और जड़ों का उचित विकास नहीं होगा। किसान साथियों, जमीन में जो अघुलनशील रूप से जो सूक्ष्म पोषक तत्व फास्फोरस और पोटाश मौजूद है वो हमें घुलनशील अवस्था में लाना है। इसके लिए हम एक फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे जिसका नाम है माइक्रोराजा। यह एक कवक है किसान साथियों, यह जितने भी प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व और जो मुख्य पोषक तत्व हैं अघुलनशील अवस्था में हमारे ज़मीन में पड़े हैं उनको घुलनशील अवस्था में लाकर हमारे पौधों को उपलब्ध कराता है। इसका तो मुख्य काम ही फास्फोरस को तोड़ना, यानी फास्फोरस जो अघुलनशील अवस्था में है उसको घोल के हमारे पौधों की जड़ों तक पहुँचाना है। तो किसान साथियों, ये मैं जानकारी अपने अनुभव के आधार पर दे रहा हूँ, आप चाहे तो इन्हें यूज़ कर सकते हैं, चाहे ना करें, यह आपकी मर्ज़ी है। तो उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी, और पसंद आए तो प्लीज़ साथियों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ अन्य किसान मित्रों के हितों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।